भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का 4th मुकाबला राजकोट के मैदान में खेला गया। मुकाबले की बात करें तो भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 169 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए, जिसके जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम केवल 87 रन बना सकी और 82 रनों से भारत ने मुकाबला जीत लिया। साथ ही सीरीज भी अब 2-2 से बराबरी पर हो चुकी है। 5वां मैच सीरीज का निर्णायक मैच होगा। मैच की बात करें तो भारत के लिए दिनेश कार्तिक ने शानदार पारी खेली। उन्होंने 27 गेंदों में 55 रन की पारी खेली और उन्होंने 16 साल के करियर के बाद T20 में अपना पहला अर्धशतक लगाया। दिनेश कार्तिक ने अपनी पारी में 9 चौके और 2 छक्के भी लगाए। इसी के साथ अगर कार्तिक की बात करें तो उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। बात अगर रिकॉर्ड की करें तो महेंद्र सिंह धोनी ने भारत के लिए अब तक का सबसे ज़्यादा उम्र में T20 में अर्धशतक लगाया था, लेकिन अब दिनेश कार्तिक ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो साल 2018 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के ही खिलाफ 36 साल 229 दिन की उम्र में अर्धशतकीय पारी खेली थी, लेकिन दिनेश कार्तिक ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 37 साल 16 दिन की उम्र में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला अर्धशतक लगाया है। ऐसे में दिनेश कार्तिक ने 16 साल के इंतजार के बाद अपनी पहली हाफ सेंचुरी लगाई और साथ ही भारतीय पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुकाबले की बात करें तो दिनेश कार्तिक ने 6 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए भारत की ओर से सबसे बड़ी पारी भी खेली। T20 में उनके द्वारा किसी भी भारतीय बल्लेबाज की सबसे बड़ी पारी है। इससे पहले यह रिकॉर्ड भी MS धोनी के नाम था। 2018 में महेंद्र सिंह धोनी ने 43 गेंदों में 52 रन की पारी खेली थी, वहीं दिनेश कार्तिक ने केवल 27 गेंदों में 55 रन बना दिए। बात अगर करें मुकाबले की तो साउथ अफ्रीका ने अपने T20 इतिहास का सबसे कम टोटल बनाया। बहरहाल आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वन इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।